इंडियन मार्केट के अंदर अब आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में हम दो ऐसी ही मोटरसाइकिल को कंपेयर करने वाले हैं। हम कंपेयर करने वाले हैं टॉर्क करातुस आर को ओबन रोर के साथ में, और दोनों ही मोटरसाइकिल जो आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोनों में से कौन सा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो चलिए इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉर्क करातुस आर और ओबन रोर के बारे में। तो दोनों ही मोटरसाइकिल का कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको दोनों की कीमत बता देता हूं। टॉर्क करातुस आर आपको 1.22 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में देखने को मिलती है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। इसका टॉप वेरिएंट जो है आपको 1.37 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ देखने को मिलता है। वहीं पर ओबन रोर की कीमत की अगर बात करूं तो ओबन रोर आपको 1.02 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में देखने को मिलेगी। ओबन रोर को इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इस बाइक की डिलीवरीज अभी शुरू नहीं हुई है। बाइक जो है वो अभी वेटिंग में चल रही है, जल्दी ही इसकी डिलीवरीज को भी शुरू किया जाएगा। जबकि टॉर्क करातुस आर की डिलीवरी ऑलरेडी इंडिया के चार बड़े शहरों में की जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल के डिजाइन की। डिजाइन जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे टॉर्क करातुस आर का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पेट्रोल मोटरसाइकिल जैसा ही देखने को मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको टैंक एक्सटेंशन के साथ में बड़े बड़े टैंक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोनों ही मोटरसाइकिल्स आपको फाइबर बॉडी के साथ में देखने को मिलती हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क करातुस आर जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगेगी ओबन रोर के कंपैरिजन में। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील में डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाता है, और सस्पेंशन सेटअप भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर लगभग सेम देखने को मिलता है। दोनों के अंदर ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। लेकिन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। टॉर्क करातुस आर आपको चेन ड्रिवन सिस्टम के साथ में देखने को मिलती है, जैसे कि आम तौर पर आपको पेट्रोल मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं, जबकि ओबन रोर आपको बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के साथ में देखने को मिलती है। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करूं बैटरी और रेंज की, तो टॉर्क करातुस आर के अंदर आपको 4 किलोवाट आर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसके साथ में 180 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, और इस मोटरसाइकिल के साथ में कंपनी 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड क्लेम करती है। बाइक के अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सभी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें ओबन रोर की, तो ओबन रोर इस मामले में आपको थोड़ी सी आगे मिलती है। ओबन रोर के अंदर आपको 4.4 किलोवाट आर का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जिसके साथ में 200 किलोमीटर की रेंज जो है वो क्लेम की जाती है। इस मोटरसाइकिल के साथ में भी 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड जो है वो क्लेम की जाती है। ओबन रोर के अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। साथ ही इस मीटर कंसोल के अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हाल फिलहाल टॉर्क करातुस आर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर एक और बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि है चार्जिंग टाइम के अंदर। टॉर्क करातुस आर को फुल चार्ज होने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जबकि ओबन रोर केवल 2 घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज हो सकती है। तो यहां पर बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉर्क करातुस आर के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि ओबन रोर के अंदर आपको 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी ओबन रोर आपको ज़्यादा बेटर फील होगी, और ख़राब रास्तों पर अगर आपको चलना है तो नीचे से जो टकराने वाली समस्या है वो आपको ओबन रोर में नहीं आएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल की कीमत मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि टॉर्क करातुस आर जो है वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर डिलीवर की जा रही है, और ओबन रोर की डिलीवरी में अभी समय है। हालांकि इसकी जो डिलीवरी है वो भी जल्दी ही 2023 में शुरू हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पर्सनली टॉर्क करातुस आर जो है हाल फिलहाल ज़्यादा बेटर लगी है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है ओबन रोर के मुकाबले। आपको कौन सी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।